हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविया दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के बारे में, जो कि है भारत रत्न। राइट, तो इस साल 2024 में ये दे दिया गया है दो लोगों को। कौन कौन है और वो क्या क्या है, उनके बारे में हम आगे आने वाले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है फ्रेंड्स आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस जो है फ्रेंड्स सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि टॉप मोस्ट ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले बेसिक से कि भारत रत्न है क्या। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए, भारत रत्न जो है इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो कि दिया जाता है फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विस इन एनी फील्ड। और ये अवार्ड कब स्टार्ट किया गया है, 1954 में इसको फ्रेंड्स स्टार्ट किया गया है बाई प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 1954 में हमारे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इनके द्वारा 1954 में जो है फ्रेंड्स इसको स्टार्ट किया गया है। राइट, इसके साथ फ्रेंड्स देखिए, पहले जो है ना ये पोस्थमसली नहीं दिया जाता था, यानी जो मरणोपरांत वो नहीं दिया जाता था, बट इसको नेक्स्ट ईयर यानी कि 1955 में पोस्थमसली भी दिया जाने लगा। और ये कुछ ऐसा दिखता है भारत रत्न, आगे हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस भारत रत्न अवार्ड में फ्रेंड्स कोई अमाउंट यानी कोई राशि नहीं दी जाती है अवार्ड के साथ, बस यहाँ पे जो है एक मेडल दिया जाता है। और देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, ये अवार्ड जो है ना मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जाता है एक साल में, 3 से ज़्यादा नहीं दिए जाते। ओके, इसके साथ देखिए सिंबल की बात करते हैं डिटेल में। तो देखिए, भारत रत्न लिखा होता है देवनागरी स्क्रिप्ट में, इसके साथ यहाँ पे सन की और ऑन अ पीपल लीफ ऐसे एक पिक्चर होती है। तो आप देख सकते हैं ये सन है और ये पीपल लीफ है, तो इस तरीके की पिक्चर बनी होती है भारत रत्न अवार्ड में। तो फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं इस ईयर ये किसको दिया गया है। देखिए, 2024 में यहाँ पे बिहार के चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं कर्पूरी ठाकुर, और बीजेपी वेटरन एलके आडवाणी को दिया गया है ये अवार्ड, जो कि है कंट्री का हाईएस्ट ऑनर भारत रत्न। फ्रेंड्स, कर्पूरी ठाकुर जी को जो है ये पोस्थमसली यानी कि मरणोपरांत दिया जा रहा है, तो ये आप यहाँ पे साथ में याद रखें। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं। अब आते हैं एमसीक्यूज की तरफ। पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ इंडिया, तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनमें से कौन सा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत रत्न। एक बार और पूरा इसको डिटेल में रिवाइज करते हैं। भारत रत्न फ्रेंड्स कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और इसको 1954 में एस्टैब्लिश किया गया है। और देखिए, यहाँ पे कोई भी विथाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, ऑक्यूपेशन, पोजिशन, जेंडर, रिलीजन, इस अवार्ड को दिया जाता है। हर एक इंसान इसके लिए एलिजिबल है। और ये अवार्ड किसके लिए दिया जाता है, एक्सेप्शनल सर्विस और परफॉर्मेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, व्हेन वाज द भारत रत्न अवार्ड गिवन फॉर द फर्स्ट टाइम। हमने डिस्कस किया ईयर को, 1954 में इसको स्टार्ट किया गया है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन में आप देख लीजिए, 2 जनवरी 1954 को इसको स्टार्ट किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। भारत रत्न अवार्ड जो है फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट किया गया है 2 जनवरी 1954 को, उस टाइम के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। इसके साथ फ्रेंड्स देखिए, पहला अवार्ड जो है ना ये 3 लोगों को दिया गया। कौन कौन है इनके बारे में देखिए, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल जो कि हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, साथ में फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन, और साइंटिस्ट डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रामन। इन लोगों को 1954 में कंट्री का पहली बार का जो भारत रत्न था ये दिया गया था। तो ये तीनों आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड द कंट्रीज हाईएस्ट ऑनर भारत रत्न 2024। तो 2024 में इनमें से किसको दिया गया है अवार्ड, ये दिया गया है फ्रेंड्स इनमें से लाल कृष्ण आडवाणी को और कर्पूरी ठाकुर को। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, बोथ बी एंड सी। देखिए, ये हैं एल के आडवाणी और ये हैं कर्पूरी ठाकुर। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्मर बीजेपी वेटरन हैज बीन अवार्डेड द कंट्रीज हाईएस्ट ऑनर भारत रत्न 2024। तो किस पूर्व बीजेपी दिग्गज को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाल कृष्ण आडवाणी। तो ये बीजेपी लीडर रहे हैं जो जिन्हें दिया गया है भारत रत्न 2024 में। समझते हैं फ्रेंड्स इनके बारे में। फ्रेंड्स देखिए, एल के आडवाणी जो है ये फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं होम अफेयर्स के, जिन्होंने एक काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है बीजेपी के ग्रोथ में, और इन्होंने सर्व किया है एज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो देखिए फ्रेंड्स, इनका जन्म हुआ था 8 नवंबर 1927 को कराची, पाकिस्तान में। और साथ में फ्रेंड्स, लालकृष्ण आडवाणी जो है ये इंडिया आए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस।
इसके साथ 1999 में फ्रेंड्स ये बने थे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और 2004 में ये बन गए थे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अबाउट एल के अडवाणी जो आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, उससे पहले देखिए फ्रेंड्स, जब आज यहाँ पे एल के अडवाणी जी को दिया गया है भारत रत्न, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने ट्वीट किया हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कि आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दैट श्री एल के अडवाणी जी विल बी कन्फर्ड द भारत रत्न। आई ऑल्सो स्पोक टू हिम एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन बींग कन्फर्ड विद दिस ऑनर। राइट, तो इनके साथ इन्होंने इस पिक्चर्स को यहाँ पे शेयर किया। तो जस्ट आपको यहाँ पे इसका इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमने इसको ऐड किया है। आगे बढ़ेंगे आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, विच फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार विल बी पोस्थमसली अवार्डेड द कंट्रीज हाइएस्ट ऑनर भारत रत्न 2024। तो बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, कर्पूरी ठाकुर। तो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं बिहार के जिन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है। इनके बारे में देखिए फ्रेंड्स, कर्पूरी ठाकुर जो है ये जाने जाते हैं बैकवर्ड क्लासेस को एडवोकेट करने के लिए। ये बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे हैं दो बार। पहली बार ये बने थे 22 दिसंबर 1970 से लेकर के 2 जून 1971 तक, और इसके साथ दूसरी बार ये बने थे 24 जून 1977 से लेकर के 21 अप्रैल 1979 तक। तो दो बार ये बिहार के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। और देखिए फ्रेंड्स, इनको जिस दिन भारत रत्न दिया गया था वो उस दिन उनका 100th बर्थ एनिवर्सरी भी रहा था। ओके, तो 24th जनवरी को इन्हें ये अवार्ड दिया गया है और वो उस दिन उनका 100th बर्थ एनिवर्सरी था। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा, बाय हुम इज भारत रत्न अवार्डेड? तो भारत रत्न किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ये दिया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो फिलहाल हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? ये है द्रौपदी मुर्मू जी। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, हु वॉज फर्स्ट ऑनर्ड विद भारत रत्न अवार्ड? तो भारत रत्न पुरस्कार से किसे सबसे पहले सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स? हमने डिस्कस किया है चंद्रशेखर वेंकट रामन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सर्वेपल्ली राधाकृष्णन को ये अवार्ड दिया गया था 1954 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, सुटेबल ऑल। अगला क्वेश्चन, हु एस्टैब्लिश्ड द भारत रत्न अवार्ड ऑन 2 जनवरी 1954? तो फ्रेंड्स देखिए, 1954 में भारत रत्न अवार्ड को किसने एस्टैब्लिश किया है? तो इसको यहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया है बाय राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्रेसिडेंट्स हैव बीन गिवन भारत रत्न बाई द ईयर 2024? तो इनमें से कितने राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से नवाजा गया है? इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, सिक्स। सिक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यहाँ पे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। कौन कौन है उनके बारे में देखते हैं। तो देखिए, पहले हैं डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन, पहली बार यानी 1954 में इन्हें दिया गया। प्रणब मुखर्जी को 2019 में, वीवी गिरी को 1975 में, जाकिर हुसैन को फ्रेंड्स 1963 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में, और साथ में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में ये अवार्ड दिया गया है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय हुम वाज भारत रत्न अवार्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम? तो पहला जो भारत रत्न था वो किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो हमारे इंडिया के फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने 1954 में जो है पहला भारत रत्न दिया था। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द साइज ऑफ भारत रत्न? आपसे शेप पूछा जा रहा है। तो ये एक पीपल लीफ की तरह दिखता है और यहाँ पे एक सन की पिक्चर बनी होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव भारत रत्न? तो भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति इनमें से कौन है? तो ये है फ्रेंड्स सचिन तेंदुलकर। देखिए फ्रेंड्स, इन्हें जो है ना 2014 यानी कि 2014 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया था और ये यंगेस्ट पर्सन बन जाते हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। राइट, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पर्सन इन स्पोर्ट्स वर्ल्ड टू रिसीव भारत रत्न? तो देखिए फ्रेंड्स, यंगेस्ट अगर आपसे पूछा जाए या फिर स्पोर्ट्स में फर्स्ट अगर पर्सन आपसे पूछा जाए, तो ये दोनों जो है ना ये बन जाते हैं इनमें से कौन? सचिन तेंदुलकर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, हु वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू रिसीव भारत रत्न? तो फ्रेंड्स, भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो ये थे सीवी रामन, जिन्हें 1954 में ये अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, मैक्सिमम हाउ मेनी पीपल आर गिवन भारत रत्न इन ईयर? तो एक साल में फ्रेंड्स कितने लोगों को मैक्सिमम दिया जाता है यहाँ पे भारत रत्न? तो ये तीन लोगों को मैक्सिमम दिया जा सकता है।
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला क्वेश्चन, हु रिकमेंड्स हु शुड बी गिवन भारत रत्न। तो भारत रत्न किसको दिया जाएगा, इसकी सिफारिश किसके द्वारा की जाती है, ये की जाती है भाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इन विच कलर रिबन इज द भारत रत्न अवार्ड वॉर्न। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, वाइट। राइट, चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। और आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे पेड पीडीएफ के वेबसाइट के बारे में, ये लॉन्च हो गई है। इसका नाम है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको रवि सर की जीके और करंट अफेयर्स की पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। देखिए फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा यहाँ पे कंटेंट आपको प्रोवाइड किया गया है जो आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छा बनाने वाला है। टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिसको आप इजीली पढ़ सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी IQ GK नाम से, ठीक है। तो आपको ये इजीली प्ले स्टोर में मिल जाएगा, यहाँ पे जाकर के आप डेली क्विजेस को भी सॉल्व कर सकते हैं। राइट, तो आप ये दोनों को एक बार जस्ट चेक करिएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द फर्स्ट म्यूजिशियन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड। तो पहले संगीतकार जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है ये है MS सुब्बलक्ष्मी। देखिए फ्रेंड्स बात करें इनके बारे में, तो ये पहली म्यूजिशियन है जिन्हें भारत रत्न दिया गया है 1998 में। इसके फ्रेंड्स बात देखिएगा, अदर अवार्ड्स जो भी रिसीव किए गए हैं भाई MS सुब्बलक्ष्मी उनके बारे में बात करें, तो इन्हें पद्म भूषण 1954 में दिया गया, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1956 में, रामन मैक्सेसे अवार्ड 1974 में दिया गया है, पद्म विभूषण 1975 में और 1988 में कैलाश सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन, विच टू नॉन सिटीजन्स हैव बीन अवार्डेड भारत रत्न। तो भारत रत्न किन दो गैर नागरिकों को दिया जा चुका है, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स इनमें से खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सुटेबल बोथ। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखिए, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन अवार्डेड भारत रत्न। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है फ्रेंड्स, ये है इंदिरा गांधी। राइट आंसर है किसका, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। देखिए बात करें फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी जो है ना इन्हें भारत रत्न दिया गया है 1971 में। अदर वुमेन जो अदर महिलाएं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है उनके बारे में बात करें, तो सेकंड है यहाँ पे मदर टेरेसा 1980 में दिया गया, अरुणा असफ अली 1997 में दिया गया, MS सुब्बलक्ष्मी को 1998 में और लता मंगेशकर को 2001 में जो है यहाँ पे दिया गया है भारत रत्न। राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, हु हैज़ बिन गिवन द भारत रत्न अवार्ड पॉस्थमसली फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फ्रेंड्स मरणोपरांत जो है ना ये सबसे पहले स्टार्ट किया गया था 1955 में, पर जो पहला अवार्ड है ना ये दिया गया है इनमें से लाल बहादुर शास्त्री को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, हु वॉज द फर्स्ट फॉरेनर टू रिसीव भारत रत्न इन 1987। तो पहले फॉरेनर जिन्हें यहाँ पे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है यह है खान अब्दुल गफार खान। देखिए फ्रेंड्स खान अब्दुल गफार खान जो है जिन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था, इन्हें 1987 में यह अवार्ड से सम्मानित किया गया और यह पहले फॉरेन सिटीजन थे जिन्हें यह अवार्ड दिया गया। इसके साथ फ्रेंड्स इनकी डेथ 1988 में हो गई थी, एक साल के बाद जब इन्हें अवार्ड दिया गया। राइट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द सेकेंड फॉरेनर टू रिसीव भारत रत्न इन 1990। तो 1990 में सेकेंड फॉरेनर जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है ये कौन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेल्सन मंडेला। इनके बारे में देखते हैं ये कौन है फ्रेंड्स, तो देखिए फॉर्मर साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं नेल्सन मंडेला, जिन्हें 1990 में ये अवार्ड दिया गया है और ये सेकेंड फॉरेनर सिटीजन बन जाते हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और साथ में फ्रेंड्स नेल्सन मंडेला को जो है ना गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव भारत रत्न पॉस्थमसली। तो मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन है, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, लता मंगेशकर। 2001 में यह अवार्ड इन्हें दिया गया है। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद भारत रत्न इन 2019। तो 2019 में फ्रेंड्स ये अवार्ड किसको दिया गया है, ये इनमें से दिया गया है प्रणब मुखर्जी को, भूपेन हजारिका को पॉस्थमसली दिया गया और नानाजी देशमुख को यह अवार्ड दिया गया। राइट आंसर सुटेबल ऑल। नेक्स्ट देखिए प्रणब मुखर्जी कौन है, इन्होंने 13th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के यहाँ पे रूप में सर्व किया है जिन्हें अवार्ड दिया गया था 2019 में। राइट नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट इंडस्ट्रियलिस्ट टू रिसीव भारत रत्न।
तो भारत रत्न पाने वाले पहले उद्योगपति कौन थे? ये थे जेआरडी टाटा। इन्हें 1992 में यह अवार्ड दिया गया है। जेआरडी टाटा का पूरा नाम क्या है? ये है जहांगीर रतन जी दादा भोए टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू रिसीव भारत रत्न? तो पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिन्हें भारत रत्न दिया गया है, ये है जवाहरलाल नेहरू। और फ्रेंड्स, इन्हें यह अवार्ड कब दिया गया है? ये दिया गया है 1955 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका रहेगा, व्हेन डिड द अवार्ड भारत रत्न स्टार्ट पॉस्थमसली? तो मरणोपरांत भारत रत्न देना कब शुरुआत हुआ है इसका? ये हुआ है 1955 में। काफ़ी इजी है, 1954 में नॉर्मली ये स्टार्ट हुआ है और 1955 में इसको पॉस्थमसली स्टार्ट किया गया, जस्ट एक साल के बाद। देखिए, 1954 में यह स्टार्ट हुआ और 1955 में पॉस्थमसली भी दिया जाने लगा। और हर साल ये कब दिया जाता है? 26 जनवरी को दिया जाता है। और फ्रेंड्स, अभी तक ना ये 50 इंडिविजुअल्स को दिया गया है, जिसमें से 17 जो है ना पॉस्थमसली दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट, आफ्टर द अमेंडमेंट मेड इन विच ईयर नो स्पेसिफिक फील्ड हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर कन्फरिंग द भारत रत्न अवार्ड? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, वेयर इज भारत रत्न अवार्ड मेड? तो भारत रत्न पुरस्कार को कहाँ पे बनाया जाता है? इसे बनाया जाता है अलीपुर, वेस्ट बंगाल में। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, हुज फिगर इज डिपिक्टेड इन द फ्रंट पार्ट ऑफ भारत रत्न? तो भारत रत्न में किसकी आकृति होती है? तो हमने जैसे डिस्कस किया, पीपल का लीफ होता है और इसमें एक सन की आइकन बनी होती है। नेक्स्ट, हाउ मेनी सेलिब्रिटीज हैव बीन गिवन भारत रत्न अवार्ड बाई 2024? तो 2024 तक कितने सेलिब्रिटीज को यह अवार्ड दिया गया है? करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, 50। ठीक है, तो 50 लोगों को अभी तक जो है भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, दिस ऑनर इज गिवन टू ऑन 26 जनवरी रिपब्लिक डे के दिन, और 1954 से अभी तक जो है 50 पीपल को ये अवार्ड दिया गया है। इस साल कर्पूरी ठाकुर और एलके आडवाणी को ये बन जाते हैं 49th और 50th पर्सन जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली लीडर ऑफ इंडिया हु हैज़ बीन अवार्डेड भारत रत्न वाइल होल्डिंग द पोस्ट ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर? तो होम मिनिस्टर होते हुए जिन्हें भारत रत्न दिया गया है फ्रेंड्स, इनमें से हो जाते हैं गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए, गोविंद बल्लभ पंत जो है फ्रेंड्स, पहले चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के और फोर्थ होम मिनिस्टर थे इंडिया के। इन्हें भारत रत्न 1957 में दिया गया है। इनका मेन कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था एज होम मिनिस्टर? तो ये था डिवाइड करना इंडिया को डिफरेंट स्टेट्स में बेस्ड ऑन लैंग्वेज, और स्टैब्लिश करना हिंदी को एज स्टेट लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ठीक है, ओके, बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द ग्रेट म्यूजिशियन लता मंगेशकर ऑनर्ड विद भारत रत्न अवार्ड? तो भारत रत्न लता मंगेशकर जी को कब दिया गया है फ्रेंड्स? ये दिया गया है 2001 में। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, वॉट इज द इंसिडेंट ऑफ रिटर्न ऑफ भारत रत्न रिलेटेड टू? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट इज गिवन इन भारत रत्न अवार्ड? तो भारत रत्न पुरस्कार में कितने रुपए की राशि दी जाती है? यहाँ पे फ्रेंड्स, कोई भी राशि नहीं दी जाती। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, जीरो। ठीक है, कोई भी अमाउंट नहीं दिया जाता है भारत रत्न में। ठीक है, चलिए, तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम डिस्कस करते हैं सारे 50 पीपल को जिनको ये अवार्ड दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट इज गिवन इन भारत रत्न अवार्ड? तो भारत रत्न पुरस्कार में कितने रुपए की राशि दी जाती है? यहाँ पे कोई भी राशि नहीं दी जाती। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, और आपका लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी बीजेपी लीडर्स हैव बीन कन्फर्ड विद भारत रत्न? तो देखिए, भारत रत्न देने वाले इनमें से कितने बीजेपी लीडर्स हैं फ्रेंड्स? तो इनमें से फ्रेंड्स टोटल 3 लोगों को जो है, जो बीजेपी लीडर है, उन्हें अवार्ड यह दिया गया है। कौन कौन है इनके बारे में देखिएगा, तो अटल बिहारी वाजपेयी जो कि पॉलिटिशियन है और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, तो इन्हें दिया गया है 2015 में ये अवार्ड। साथ में बात करेंगे नानाजी देशमुख के बारे में, तो ये दिया गया है फ्रेंड्स इनमें से, इन्हें पॉस्थमसली, और ये सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं और इन्हें 2019 में अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है लाल कृष्ण आडवाणी जो कि पॉलिटिशियन है और फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के,
इन्हें 2024 में ये अवार्ड दिया गया है किसके साथ, कर्पूरी ठाकुर के साथ, जो कि चीफ मिनिस्टर रहे हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको याद रखने हैं। अब आता है कुछ, देखिए हर एक, यहाँ पे हम 50 पीपल जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है उनके बारे में। तो पहले 1954 में सर्वेपल्ली राधाकृष्णन को, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, चंद्रशेखर वेंकट रमन को यह अवार्ड दिया गया। 55 में दिया गया है भगवान दास, इसके साथ मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया और जवाहरलाल नेहरू को। 1957 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत को। 58 में फ्रेंड्स ये दिया गया है इनमें से धोदो केशव कर्व को। नेक्स्ट है 1961 में दिया गया है विधान चंद्र राय और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन को। 62 की बात करें फ्रेंड्स तो ये दिया गया है यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद को। आगे बढ़ेंगे और 1963 में ये जाकिर हुसैन और पाडुरंग वामन काने को दिया गया। 66 में लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया है और ये पहले ऐसे थे जिन्हें पोस्थमसली अवार्ड दिया गया। 71 में फ्रेंड्स ये दिया गया है इंदिरा गांधी को। नेक्स्ट देखिए 75 में वराह वेंकट गिरी को दिया गया। 76 में कुमार स्वामी कामराज को पोस्थमसली दिया गया। 1918 में मदर टेरेसा को। 1983 में आचार्य विनोबा भावे को पोस्थमसली। 1987 में खान अब्दुल गफार खान को। 1988 में दिया गया है मखदूम गोपालन रामचंद्रन को पोस्थमसली। 1919 में दिया गया है भीमराव अम्बेडकर को और नेल्सन मंडेला को। 1991 की बात करें तो ये राजीव गांधी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को और मुरारजाई देसाई को ये दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए लास्ट स्लाइड है ये आपका। 1992 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और जेके आर एस जी टाटा को, सत्यजीत रे को दिया गया। 1997 में एपीजे अब्दुल कलाम, गुलजारी लाल नंदा और अरुणा असफ अली को ये अवार्ड दिया गया है। 1998 की बात करें फ्रेंड्स तो एस एस सुब्बलक्ष्मी को, सी सुब्रमण्यम को और जयप्रकाश नारायण को ये अवार्ड दिया गया। 1999 में रविशंकर, अमर्त्य सेन, गोपीनाथ बोरदुलोई को ये अवार्ड दिया गया है। 2001 में फ्रेंड्स दिया गया है लता मंगेशकर को और उस्ताद बिस्मिल्ला खान को। 2008 में भीमसेन जोशी को। 14 में सचिन तेंदुलकर और चिंतामणि नागेश रामचंद्रन राव को। आगे देखिए 2015 की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय को ये अवार्ड दिया गया। 2019 में प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को ये अवार्ड दिया गया है। और इस साल 2024 में किसको दिया गया है, ये दिया गया है कर्पूरी ठाकुर और साथ में लाल कृष्ण अडवाणी को। ठीक है, तो ये है कुछ 50 पीपल, 50 सेलिब्रिटीज जिन्हें दिया गया है भारत रत्न अवार्ड। फ्रेंड्स अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड द कंट्रीज हाईएस्ट ऑनर भारत रत्न। तो इनमें से किसे दिया गया है भारत रत्न, ये आप हमें कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन, हुज फिगर इज डिपिक्टेड इन द फ्रंट पार्ट ऑफ भारत रत्न। तो भारत रत्न में अगले भाग में किसकी आकृति बनी हुई है, ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो ये है दो क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। साथ में फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है पेड पीडीएफ की वेबसाइट के बारे में। यहाँ पे आपको रवि सर की जीके और करंट अफेयर्स की पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएगी। साथ में फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड किया गया है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट फ्रेंड्स, ये हमारा आज का लास्ट स्लाइड है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।